22 नवंबर साल 1830 को झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, जिस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने साल 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 नवंबर साल 1916 को शांति घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। 15 साल की उम्र में शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जहां क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। दिसंबर 1931 में शांति अपनी एक सहपाठी सुनिधि चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स स्टीवंस के कार्यालय में एक पिटीशन फाइल करने के बहाने से पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट सीजीबी स्टीवंस को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 22 नवंबर साल 1892 को मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। वे एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थीं। मीराबेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। मैडलिन स्लेट ने मानव विकास और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई भागों में यात्रा की। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित करने में मीराबेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीराबेन को साल 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।